जरदारी साहब ने और जो बाबे शुजात ने पत्ता कल खेला ना जी, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। हालिया मिसाल जो जिमनी इलेक्शन अभी हुआ है वो लोटा क्रेसी वाला, उसमें बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जमात ने मेरे साथ ज्यादती की, पार्टी के साथ भी रहूं मगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी, बिल्कुल वाजिया मेरी ये एक इम्तहानी। अगर सियासत में कोई भी बात हरफे आखिर नहीं है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन इन भी मुमकिन है? देखिए कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे मेरी जमात मुझे निकाल देती है तो मैं क्या करूंगा। ये जरदारी साहब की तस्वीरें क्यों आप भेज रहे हैं ग्रुप्स के अंदर? सर जी कल की जो असल में देखें आपको ये बातें ये नून लीग के ग्रुप्स में भेज रहा हूँ, आपको कैसे पता चले? हमारे भी सोर्स होते हैं ना कुछ, फरक अल्ताफ साहब है ना मदद के साथ, उनका दूर दूर से ना इस खित्ते की सकाफत के साथ कोई वास्ता नहीं। चोई साहब तो मेरा ख्याल है कभी वो क्या कहते हैं जिन्होंने चिड़ी टापा कभी नहीं खेला, उनके घर चले जाए ना आप तो वहाँ पे आपको एक बकरी नजर नहीं आएगी। या नवाज शरीफ साहब के पास बकरी है या शहबाज शरीफ? उनके पास तो फार्म है जी। आप धक्के खाना क्यों चाहते हैं वैसे? आप ये फैसला देखना क्यों चाहते हैं? लफ्जों का चुनाव में बेहतरीन करता हूँ और मैं तनकीद भी करूँ तो मैं मेरी तनकीद करता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सी तारीफ करके आप बराबर कर देते हैं। मैं तो वैसे भी अक्सर कहता हूँ कि मैं तो वो दरबारी आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कल का जो वाकयात है आपने देखा है पंजाब असम्बली के अंदर, जो खरीदो फरोख्त और को मंडी जैसा समा, ये किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की सियासत? कल के जो वाकया हुआ है जहाँ तक खरीदो फरोख्त की बात है मैं आपकी इस बात से इतफाक नहीं करता। जब वफाक में हुकूमत आई तो उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं और जो ग्लोबली जो हालात इस वक्त आ रहे हैं पूरी दुनिया के, उसका इम्पैक्ट ये आया कि अवाम ने मैंडेट जो है मुस्लिम लीग नून का रद्द किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिलेक्ट किया अवाम ने। तो ऐसी सूरत हाल में ये देखते हुए भी कि जब आप तकरीबन 17 सीटें जो हैं वो हार चुके हैं तो उसमें भी फिर भी हुकूमत ले लेना, आप राय आपकी जाती राय क्या है कि ये हुकूमत छोड़ी जा सकती थी वैसे अगर इन्हें दे दिया जाता मौका? आपके एक सवाल में तकरीबन 10 सवाल हैं, मैं इन पे अगर जवाब दूंगा थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे आप जरूर दें। जरूर, थैंक यू जी, शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि ये जो अभी हालिया इलेक्शन हुआ है क्योंकि जो लोग डी सीट हुए थे 18-20 पंजाब से, ये उसी से रिलेटेड है। तो आपने कहा कि हुकूमत ले के इन्होंने अच्छा नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है कि जब गवर्नमेंट पिछली चल रही थी इमरान खान साहब की तो उनकी एक मैं समझता हूँ कि फेल नाकाम हुकूमत थी और कोई डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो उससे ये था कि पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ा बनी हुई थी वो ये थी कि अगले इलेक्शन में ये 20 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। मगर दूसरी तरफ उसका दूसरा रुख देखते हैं तो मुल्क के जो हालात थे, आपको पता है कि माशी लिहाज से मुल्क जो है वो डूब रहा था और दिवालिया होने वाला था, उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है कि ये वो कूतें जो इनको ले के आई थी वही फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास इस इंग्लैंड गई, किसी अपने अजीज़ को किसी अपने बुज़ुर्ग को भेजा, वहाँ पे 2-2.5 महीने बैठ के ये चीज़ें तय हुई कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर आज भी आइंदा हमारा मुल्क दिवालिया होता है तो उससे ये होगा कि जो हमारे पास एटमी सासे हैं वो जाते रहेंगे, पाकिस्तान दुश्मन कूतें, अल्लाह ना करे। देखिए ये क्रेडिट जाएगा इनको, बेशक अल्लाह ना करे हम अगला इलेक्शन वफाक में हार जाते हैं, पर एक क्रेडिट इन लोगों को जाएगा कि इन लोगों ने अपनी सियासत को दाव पे लगा के मुल्क को बचाया है। अल्लाह की ज़ात इनको इस बात का सिला देगी, बेशक अभी हालात अच्छे नहीं आपको नज़र आ रहे हैं और उसकी अभी हालिया मिसाल जो ज़िमनी इलेक्शन अभी हुआ है वो लोटा क्रेसी वाला, उसमें बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इतिहादी लोगों को, बल्कि पंजाब था ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, बुरी शिकस्त हुई है इस वजह से। मगर दूसरी सिम पे वही है कि इनको क्रेडिट जाता है और मेरा ख्याल है इस क्रेडिट अल्लाह की ज़ात ने इनको इसका सिला देने। मुनारिफ जो अरकान है ये देखा जा रहा था कि शायद इनको टिकट्स ना दिए जाएं, जो कमिटमेंट्स हैं ना पूरी की जाएं और अपने पार्टी वर्कर्स को ही अब्लाइज किया जाए, लेकिन अभी ज़मीनी इंतखाबात में हमने देखा कि इनको अब्लाइज किया गया और वो हार भी गए सीटें। इसी तरह की किसी सूरत हाल में आप भी फंसे हुए हैं, अभी तक जेलों में ये क्लियर नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा या चोई फरक साहब को मिलेगा, और अगर ये यहाँ पे भी जिमनी होते तो आप समझते हैं नतीजे सेम होते या चोई फरक साहब में ज़्यादा कैपेबिलिटी? देखिए लोटा क्रेसी की बात की आपने, मैं तो लोटा क्रेसी कहूँगा उसे, जितने भी लोग आए हैं और उनका, क्योंकि अवाम ने उनको ना उनके ऊपर मोर लगा दिया कि ये लोटे, मेरे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक बात क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में ने भी नहीं माना उनको और प्लस पंजाब की जनरल पब्लिक ने भी नहीं माना। रही बात जेलम की, वाकई मैं भी उसका शिकार हूँ, मुझसे जो इलेक्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि चौधरी फरक अल्ताफ साहब मुझसे इलेक्शन जीते हैं, मुझसे इलेक्शन नहीं जीते, वो मुझसे इलेक्शन जितवाया गया था, जिनको वो कभी एक्स वाई कह रहे हैं पता नहीं कल को जेड कहेंगे उन्हें, हम उन्हें सेलेक्टर कहते थे तो वो इलेक्शन जीते थे, तो अब वो भी आ गए हैं यहाँ पर और
मैं नहीं समझता कि मेरी जमात में उनकी कोई जगह है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जमात में उनकी जगह नहीं है, बिलखसूस मेरे सामने उनकी जगह नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, मेरे वालिद साहब ने जो ये मुझे जमात और मेरे जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुझे विरासत में मिले। बिलाल अज़हर कियानी साहब को कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म का और चोई फ़र्क साहब को डिफेंस कमेटी का चेयरमैन, आप जो हैं जो इतने पुराने वर्कर, बाप की विरासती आपने कहा, ये पार्टी भी है निगलेक्टेड दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे भी, वो तो वफाकी सतह पे नवाजे जा रहे हैं। देखें ना, जो फर्क साहब का वोट तो इस्तेमाल भी नहीं हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, फिर भी नवाजे गए। बिल्कुल नवाजे। आप लोग अपनी जानों पे खेल के, आपने तो नून लीग के पीछे मारें खाई हैं, गाड़ियां तुड़वाई हैं। देखें जी, मैं यही कहूँगा, नून लीग के पीछे बिल्कुल, चाहे वो मुशर्रफ दौर था या पिछला, ये जो अभी पौने चार साल का टाइम गुजरा है, तो कुर्बानियाँ भी दी हैं, मेरे वालिद साहब देते रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, मेरी फैमिली दे रही है, बाकी मुस्लिम लीग की वर्कर्स दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आइंदा भी मैं देता रहूँगा जब तक मुझे कोई पार्टी से निकालता नहीं है या मेरी जगह पे उनको एडजस्ट नहीं करते। पार्टी ने अगर उनके साथ वादा किया है, पार्टी की ये कमिटमेंट है उनके साथ। मैं ये भी आपको बता दूँ कि मुझे लाहौर बुला के ये पार्टी की सतह पर ये बातें मुझे बताई गई हैं कि जी जितने लोग ये आए हैं हमारी, इनके साथ कमिटमेंट है कि हमने इनको ओबलाइज करना है, इनको एडजस्ट करना है। मैंने कहा मेरे अलावा आप इनको कहीं भी एडजस्ट कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर मेरी जगह पे करेंगे तो आपको मसाइल का सामना होगा। और ये बात मैं ज़िमनी इलेक्शन के पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो अब तो वाजह हो गया, अब पार्टी पॉलिसी भी तब्दील हो जाएगी मेरे ख्याल है। अगर इनके साथ कोई कमिटमेंट है इनको ओबलाइज करने की, तो उसमें से बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ये, अगर वो यहाँ पर हमारी जमात में वर्कर बन के रहना चाहते हैं चोई साहब, तो उनको शायद कहीं ओबलाइज कर दिया जाए, मगर जहाँ पर उनकी हरकत हो सकनात है ना, उनका तल्लक है, तो वैसे मेरी पार्टी में वो रह नहीं सकते, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई तमाशा करते हैं, मेरे जो जाती साथी हैं या मुस्लिम लीग की वर्कर्स हैं उनको आए दिन वो इंतकाम का नहीं। हरकातों सकनात से एक सवाल जहन में उठता है कि अभी को रिसेंटली कबड्डी का को वाकया हुआ है, को मैच में पता चला है कि इंतजामिया की तरफ से वो मैच, आपने उधर मेहमान खसूसी होना था, वो मैच ही रुकवा दिया गया, तो जब पता भी है कि आपने मेहमान खसूसी होना है, तो ये मैच इंतजामिया कैसे रुकवा सकती है, हुकूमत में तो आप हैं। बिल्कुल, ये आपको बात, मेरे ख्याल आप तक ये बात पहुंच गई, ये कल का वाकया है, आज कबड्डी थी हमारी, ये मधुकालस गांव है, वहाँ पे चौधरी साजद जट और चौधरी मकसूद हैं हमारे, इनकी फैमिली के लोग हैं, वो हमारे साथी हैं, दोस्त भी हैं, छोटे भाई हैं वो, उन्होंने एक कबड्डी जो है वो तरतीब दी थी, तो इन्होंने जनाब ना उधर मैं मेहमान खसूसी था और जब मैर शाह साहब थे, इन्होंने उन पर प्रेशर डाला कि मेरे गांव में हो रही है तो आप मुझे बुलाएं, उन लोगों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम आपको तस्लीम नहीं करते, तो इन्होंने कल वो इंतजामिया को कहा कि कबड्डी की जो इजाज़नामा था उसे कैंसिल करा दिया, तो फिर मैंने ऐलान कर दिया कल रात को कि मैं हर हाल में कल जाके वो कबड्डी कराऊँगा, क्योंकि देखें बात सिर्फ सियासत की नहीं है, हमारे साथियों को वो इंतकाम का निशाना बना रहे हैं दो महीने से, जितने भी हमारे लोग हैं, क्योंकि ये इनके साथ जो चंद एक लोग हैं ये उनकी सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक तो सियासत से हट के भी, मैं आपको पता है आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, मेरा ख़ानदान भी, मेरे वालिद साहब भी, मैं भी, हम सकाफ़ती लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, हमारा जो ख़त्ते की सकाफत है, हमारे ख़त्ते की, हमारा एक बड़ी ना सख्त लगाव है उस सकाफत के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, जानवरों के साथ वाबस्ता खेल हैं, पहलवानी का शौक़ है, कबड्डी है, बाजूगिरी है, पत्थर बगुदर उठाते हैं, घोड़े हैं, नेज़ाबाजी है, भैंसों का मुकाबला होता है मिल्किंग का, बैलों के तीन किस्म के कंपटीशन है, यानी कि हमारी सकाफत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हमारा ये दरबारी मेले होते हैं, उर्स होते हैं, ये भी हमारी सकाफत का हिस्सा है, तो हम तो हैं सकाफती लोग जी, मैं तो वैसे भी अक्सर कहता हूँ कि मैं तो वो दरबारी आदमी हूँ, तो इन्होंने जो है वो चोई साहब ने हमारी सकाफत को नुकसान पहुँचाने की कल बड़ी सख्त कोशिश की है, तो मेरे लिए ये नाकाबले बर्दाश्त है कि मेरी सकाफत को कोई जो है वो, क्योंकि ज़िंदा कौमों की निशानी होती है सकाफत को ज़िंदा रखना, मैं मेरे लिए ये नाकाबले बर्दाश्त है कि वो मेरी सकाफत को नुकसान पहुँचाएँ। आज जो खेल कबड्डी का लगना था वो बावजह बारिश आज कैंसिल भी हो गया, मेरा एक मैसेज भी फेसबुक पर और व्हाट्सअप पर चल रहा है, वो शायद लोग अभी घंटे तक सुन लें, मैंने एक रिकॉर्डिंग घर बैठ के खुद ही की थी, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे खेल के मैदान जो हैं उस रिकॉर्डिंग में ये जिक्र तो नहीं है कि चाहे पुलिस आ जाए चाहे जो मर्जी हमने कबड्डी करवा के ही रहना? नहीं सर, उसमें मैं कल डीपीओ साहब के पास गया था, मैंने डीपीओ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की जी कि हमारी कैंसिल हुई है कबड्डी, तो हमारे आपके साथ लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि डीपीओ साहब खुद सकाफती आदमी है, वो पोलो प्लेयर हैं, नेज़ाबाज हैं, कमांडो हैं, वैसे भी वो मुख्तलिफ गेम्स करते हैं, उनका अपना सकाफत के साथ बड़ा गहरी वाबस्तगी है, तो
पिछले डीसीओ साहब जो थे वो खुद भी उन्होंने घोड़े रखे हुए थे, हमारे पिछले एसी साहब दीना जो थे वो होते तो कभी कैंसिल ना होती, कासम गुल साहब वो घोड़ों के शौकीन है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने कहा जी कल हमारी कबड्डी है, बेशक कबड्डी कैंसिल हो जाए, मेरी सियासत को नुकसान हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे इलाके की मेरे खित्ते की सकाफत को कल्चर को या मेरे खेल के मैदानों को जो नुकसान देगा, चाहे वो चौधरी फरख अल्ताफ साहब से 10 बार बड़ा को बंदा आ जाए, मैं उसे नहीं करने दूंगा और मैं कल जाके कबड्डी कराऊंगा। आप अगर वहाँ पे आए, आपकी पुलिस आई, हम आपके साथ मजामत नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो वो आगे से हंसना शुरू हो गया, कहते हैं कल आने दे फिर देख लेंगे, मुझे कहते हैं कल आने दे देख लेंगे, क्योंकि वो खुद सकाफती है, मैं उनको बता के आया था। ये नहीं हो सकता कि हम इंतजामिया के साथ लड़ें और बैरोक्रेसी के साथ लड़ना शुरू कर दें। हम वहाँ पर जाते, हमें अगर कोई रोकता, पुलिस रोकती, तो हमने लड़ना भी नहीं था, सही बात है, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, वहाँ पे दुनिया होनी थी, हज़ारों में होनी थी, और लोगों को पता चल जाना था कि लोग जो हैं वो इस सकाफत के साथ और ये जो खेल के मैदान हैं इनके साथ कौन मुखलस है। और मैंने ये अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है, कुछ फरख अल्ताफ साहब है ना मदद के साथ, मेरा उनके साथ सियासी इख्तलाफ भी है, रहेगा भी, उनका दूर दूर से ना इस खित्ते की सकाफत के साथ कोई वास्ता नहीं है। उनके घर चले जाए ना आप, तो वहाँ पर आपको एक बकरी नज़र नहीं आएगी। एक बकरी होती है ना, सुनत नबी, हम जमींदार लोग हैं, छोटे से छोटा जमींदार भी होगा ना, उसके घर एक भैंस या गाय होगी, एक बकरी जरूर होगी या बकरा जरूर रखता है। इनके घर कुछ भी नहीं है, इनको पता ही नहीं सकाफत क्या है। चौधरी साहब तो मेरा ख्याल है कभी, वो क्या कहते हैं जिन्होंने चिड़ी टापा कभी नहीं खेला, या नवाज शरीफ साहब के पास बकरी है या शहबाज शरीफ, उनके पास तो फार्म है जी बहुत बड़ा, मियाँ साहब को बड़ा कैटल्स का शौक है जी, रायमंड फार्म में जाए, उनके कैटल्स हैं अपने, उनके पास है। बल्कि आपको पता होगा जब ये मुशर्रफ दौर आया था तो उस वक्त भी बड़ा मीडिया पे चला था, उनके जानवर थे, मवेशी थे, वो भूखे मर रहे थे वहाँ पे, ये बड़ी उस वक्त मीडिया ने, हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त भी उनके जानवर घोड़े लोगों ने देखे थे, उन्हें रखे हुए। अच्छा, इसका मतलब है कि वो उस काफ़त से जुड़े हुए हैं, जबकि चो फरक साहब ने ये चंद दीगर भी आपने गेम्स का नाम लिया जो कि मेरा ख्याल काफ़ी कदीम हो चुके हैं, गाँव वगैरह में शायद ये अब खेली जाती होंगी। अब कोई नहीं जी, वो बचपन में देखे, मुझसे चो साहब बड़े हैं ना जी, मुझे तो वो मेरे ख्याल तकरीबन 10 साल बड़े होंगे, मैं तो छोटा हूँ। हो सकता है अपने किसी इंटरव्यू में वो ऐसी कुछ सकाफती चीज़ें बता दें जो हो सकता है आपके भी जहनों को मान में, क्योंकि बड़े जो हैं, बड़े हैं तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी खेल के मैदान में नहीं देखा। हाँ, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और तौफीक दे, ये शरारतें जरूर करते हैं, ये मेला कैंसिल कर दो, मैं मामा खुशी नहीं हूँ, ये कबड्डी कैंसिल कर दो, ये फलां चीज़ जो है ये मैच कैंसिल कर दो, ये अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है आपसे उन्हें खसूसी मोहब्बत है, आपके साथ ही शरारतें करते हैं वैसे उनकी। नहीं, मेरे बड़े भाई में वैसे भी एहतराम करता हूँ, मेरे वाले साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, क्योंकि हमारा उनके ननिहाल से बड़ा अच्छा तलक था उनके वाले साहब से। देखिए, जाती तलकात हैं, एहतराम का रिश्ता है, मैंने कभी भी उनके खिलाफ कोई ऐसी लफ्ज़ों का चुनाव मैं बेहतरीन करता हूँ, और मैं तनकीद भी करूँ तो मैं मेरी तनकीद करता हूँ, मैंने कभी घटिया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी तारीफ करके आप बराबर कर देते हैं। नहीं नहीं, तारीफ के काबिल वो ज़ाहिर है जी, अल्लाह ने उनको इज्जत भी दिया है, मैंने बने हुए उनके वाले साहब गवर्नर थे, एक नाम है डिस्ट्रिक्ट नाजम रहे। आपने मेयर फयाज साहब का भी जिक्र किया है, तो वो तो अक्सर जो फरक साहब के साथ तकरीबात में भी नजर आते हैं और बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, ये मुस्कुराहटें आपके लिए नुकसान देना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, बल्कि वो मनसूबाबंदियाँ भी कर रहे हैं कि मैं शायद इनके साथ खड़ा हो जाऊँ, मेरे तक जहाँ तक कोई खबरें लोग पहुँचाते हैं हैं सही है, पता नहीं इनमें कितनी सदाकत है, आप ठीक फरमा रहे हैं। हमने एक जो अपना पहला इंटरव्यू किया था उसके अंदर जब वो सोशल मीडिया पे आया, लोगों ने बड़ी पजीराई भी दी उस इंटरव्यू को, लेकिन पीटीआई की जो फैन फॉलोइंग थी ना, जो पीटीआई का वर्कर था, उसने नीचे एक बड़ी कसीर तादाद में आपसे ये रिक्वेस्ट की कि आप पीटीआई को ज्वाइन करें। देखिए, मैं एमपीए रहा हूँ जेलम में, आपको पता है कि मेरी सबके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंकनेस थी जी, मैं खुद भी ऐसे कहा ना, मैं सकाफती आदमी हूँ, गमी खुशी सकाफत में हर वक्त बंदों में होता हूँ, मैंने इलेक्शन लड़े हैं जेलम सिटी से और मेरी किसी के साथ नाराजगी नहीं है। और बिल्कुल 2013 में मुझे याद है जी, पीटीआई का और हमारे ना नून लीग वर्कर्स का कोई थोड़ा सा ना ऐसे कोई बदमजगी पैदा होगी, तो मुझे सजील कियानी साहब ने और पता नहीं दूसरे कौन थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये हो गया। मैं उस वक्त ना जी मेरे ख्याल डुमेली साइड पे था, तो उस वक्त चौहान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हमारे बच्चों से 2013 की बात थोड़ी सी कोई मेरे ख्याल ज्यादती हो गई, उन्होंने कोई ये नाराबाजी की, मुझे अब बात भी नहीं याद। तो मैं वहाँ से सीधा भागता हुआ आया, इनके ऑफिस गया, उन बच्चों को लेके गया, मैंने माजरत करवाई, मैंने कहा देखें ये चौधरी फरक साहब उस वक्त काफ में थे, मैंने कहा हमने सियासत करनी है नीट क्लीन साफ़ सुथरी, मार कुटाई ये सियासत हमने नहीं करनी, कि अपने सियासी साथियों को कहें कि हमारे सियासी मुखालफिन को या उनके साथियों को आप मारो। मैंने वहाँ पे जाके माजरत की, घंटा बैठा, गपशप लगाई, उन बच्चों को लेके गया। तो मेरे ख्याल है शायद मैं उनका सबका, छोटों के साथ शफकत करता हूँ, बड़ों का एहतराम करता हूँ, वो
उनके बाद में उनके जहनों में ये बात, और उस सियाट के मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, उनको वो भी अच्छी लगती होगी। अगर PP25 का टिकट आपकी रजामंदी से दिया जाए तो कौन आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर कैंडिडेट? नहीं नहीं, मेरी नजर में सालिफ भी हैं, देखिए मैं शकलैन साहब भी हैं सर जी मेरे पास, मैं तो यही कहूंगा पिछली दफा मेरी मर्जी से टिकट नहीं दिया गया, जमात ने मेरे साथ ज्यादती की, उनका हुक्म आ गया, मैंने वोट दे दिए, और मैंने उसी वक्त कहा था कि आपने मेयर साहब को टिकट दे के ये मुश्किल पैदा करनी मेरे लिए। मैं उस वक्त भी कहता था कि स्वावा से टिकट दें, राजा अहमद हुसैन शौकत थे, अगर उनको दें बेहतर है, अगर आपने MPA में से देना है तो आप अवैध साहब को दें। तो इस वक्त दो ही बंदे हैं हमारे पास, चोरी शकलैन साहब हैं और अवैध साहब हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं पार्टी को यही कहूँगा, कल नहीं पता क्या होगा, क्योंकि मुझे वही सूट करते हैं अवैध साहब या शकलैन जी, मुझे वो सूट करते हैं, मुझे और कोई बंदा सूट नहीं करता। अगर पार्टी ये कोशिश भी करे कि उनसे हट के तहसील देना से किसी को टिकट देना है तो मैं माजरत कर लूँगा, हो सकता है मैं पार्टी के साथ भी रहूँ मगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी, बिल्कुल वाजिया मेरी ये एक इम्तहानी। यानी आप अपनी मुकम्मल टीम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, सिर्फ MNAship पे नहीं? मेरी मर्जी की अगर मेरे विंग्स नहीं होंगे ना तो मैं इलेक्शन पार्टी के साथ शायद रहूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर वो फिर देखिए मेयर साहब बड़े भाई हैं मेरा, उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, कल वो कहें उनको नीचे लो तो इसी तरह, अगर हल्के एग्जिस्ट करते हैं इसी तरह, अगर एक हल्का बढ़ जाता फिर तो कोई नहीं, फिर तो मेयर साहब इधर आएंगे, मैं खुद कहूँगा कि वो पुराना 25 बाल हो गया, मैं खुद कहूँगा मेयर साहब को टिकट दे मेरे साथ वो आएँ, बेशक मेरे उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और आइंदा भी रहेंगे मुझे पता है, फिर और सिनेरियो होगा। अगर यही हल्के एग्जिस्ट करते हैं तो फिर नहीं, फिर मैं अपनी ये ذاتی اختلاف ہے کانفیڈنس میں بندہ ان دونوں میں سے کوئی لوں میری اپنی ذاتی رائے ہے بالکل کل کو ہو سکتا ہے دیکھیں سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی اگر سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف میں جوائن ان بھی ممکن ہے دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میری جماعت مجھے نکال دیتی ہے تو میں کیا کروں گا میں پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا بھائی مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے میرے ساتھی کیا کریں گے میرے ساتھی سب یہ کہیں گے تم الیکشن لڑو وہ پتہ نہیں آپ کے سامنے نہیں کہتے ہمیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا میں آپ کے بہت قریبی سر مجھے کوئی نون لیگ سے نکالے گا تو میں کہیں جاؤں نا میری جگہ ہے میرا گھر ہے میرے والد صاحب دھکے کھانا چاہتے ہیں ویسے آپ دھکے کھانا کیوں چاہتے ہیں ویسے آپ یہ فیصلہ دیکھنا کیوں چاہتے ہیں نہیں مجھے امید ہے جی مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پورا میرے وہ میرے والد صاحب کے بھی دوست ہیں جب تک وہ زندہ ہے میں دوست تو راجہ افسر صاحب کے بھی تھے ان کے بھی تھے پر ان کے فیصلے غلط تھے راجہ صاحب کے دنیا سے چلیں گے اللہ تعالیٰ تبارک کبھی فیصلے راجہ صاحب کے غلط ہیں کبھی نواز شریف صاحب کے بھی فیصلے غلط ہو سکتے ہیں میرے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی فیصلے غلط کر سکتا ہے یہ فیصلہ غلط ہی تھا نا کیا فیصلے ہوئے یہ حکومت لینا انہوں نے ملک کے لیے لیا ہے ابھی جو ابھی حالیہ پنجاب میں چل رہے کیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تو ہوتی ہے نا سیاست دان ہم دیکھیں فرشتے تو میں کوئی نہیں ہے غلطی نہ ہو غلطی تو ہم سے ہو جاتی ہے یہ زرداری صاحب کی تصویریں کیوں آپ بھیج رہے ہیں گروپس کے اندر سر جی کل کی جو اصل میں دیکھیں آپ کو یہ باتیں یہ نون لیگ کے گروپس میں بھیج رہا ہوں آپ کو کیسے پتہ چلے یہ ہمارے بھی سورس ہوتے ہیں نا کل جو کچھ ہوا ہے نا جی میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ جو الیکشن ہم ہارے ہیں نا حالانکہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے میں مجھے شرم نہیں آتی باتیں کرنے میں میں ہیں بھی تھوڑا سا میں ہپوکریٹ نہیں ہوں کل جو کچھ ہوا میں یہ سمجھ رہا تھا پچھلے 3 دن سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ریزائن کرنا چاہیے ہمیں پنجاب کی عوام نے ہمیں نہیں لوٹوں کو ریجیکٹ کیا ہے پر لوٹے تو ہمارے تھے ہمارا لیبل لگا تھا ان پہ تو ہمیں اخلاقاً نہیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ رہے ہمیں ریزائن کرنا چاہیے انہیں کہنا چاہیے آپ بن جائیں مگر کل جو کچھ ہوا ہے لیکن جی میں تو ابھی کل ابھی پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوں اور کل پکا مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی طالب علم ہوں زرداری صاحب نے اور جو بابے شجاعت نے پتہ کل کھیلا نا جی میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں وہ صحیح سیاستدان ہیں اور کل کے گیم جتنی بھی چینج ہوئی ہے وہ گیم چینجر ہیں زرداری صاحب میں اس وجہ سے ان کی شخصیت سے متاثر پہلے بھی ہوں میں پہلے بھی ان سے متاثر ہوں مگر ان کا رائٹ بنتا تھا کہ میں اپنے گروپ میں ان کی تصویر لگا کے اور میرا میسج بھی ہے کہ آج کا جو ہیرو ہے وہ آصف علی زرداری ہے یہ ساری کی ساری گیم انہوں نے اور چودھری شجاعت صاحب میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ساری گیم انہوں نے زرداری صاحب تو پھر ادھر کے ادھر ہی رہیں گے کنگ میکر اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک زرداری صاحب پہ باری جو شجاعت صاحب اس کے بعد کہاں سٹینڈ کریں گے ان کے گھر میں اختلاف ہو گیا اچھا گھروں میں اختلاف بھی دو جگہ پہ ہو گیا ایک جیلم میں اور ایک گجرات میں لیکن یہ جیلم والا اختلاف کو میں اختلاف نہیں مانتا یہ ان کی حکمت عملی ہے بالکل کلیئر کہوں گا یہ مل کے کر رہے ہیں میں پی ٹی آئی والوں کو اپنی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور اپنی نون لیگ کی میں اپنا میسج دوں گا یہ مل کے کر رہے ہیں
कि एक हलके में एक आ जाए, दूसरे में दूसरा आ जाए, जिसकी हुकूमत बनेगी एक दूसरे को फैमिली बची रहे। वर्कर बेशक उधर वाला पीटीआई का अगर अपोजिशन में आएगा हल्का एनए, अब तो बन गया वो 61, वो लितर खाता रहे। अगर यहाँ पे चोई साहब अपोजिशन में आ जाते हैं तो वो इधर वाले वर्कर जो हैं वो लितर खाते ने, कम से कम लद्दड़ ख़ानदान जो है वो तो बचा रहेगा नहीं जी। इन्होंने अपनी ज़ात को और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए किया है। इनके बारे में तो ये कहूँगा, ये एक पेज पे हैं, रात को ये एक कमरे में होते हैं, लाहौर ये एक कमरे में होते हैं, खाने इकट्ठे खाते हैं, इधर भी रात को 2-3 बजे इनकी गाड़ियाँ निकलती हैं एक दूसरे के घर से। और रही चौधरी शुजात साहब की बात, देखें जी वो बड़े लीडर हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बारे में यही कहा जाता था पहले भी कि जोड़ तोड़ के बादशाह चौधरी शुजात साहब, और उन्होंने अभी भी, अब तो दो बादशाह मिल गए थे ना, दो बादशाह मिल गए हैं, देखे दो बादशाह मिले, उन्होंने बताया ना कि बादशाही कैसे की जाती है, तो दोनों जो हैं वो ग्रेट लीडर हैं जी, सियासत वो कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो चुका है, आपको क्या लगता है नतीजे क्या आएंगे? देखिए मैं अभी मैं कानून का भी स्टूडेंट ही हूँ, सही बताऊँ ना, मैं हूँ, मैं नहीं कोई राय दे सकता उस बारे में। जजमेंट तो देखें कुछ भी आ सकती है ना सर, कुछ भी आए हमें तस्लीम कर, रूलिंग जो है वो डेप्टी वो दे रहे हैं तो वो हो सकता है कि एक बात है स्पीकर की रूलिंग को कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं तो पिछली दफा भी हुआ ना, तो नहीं चैलेंज कर सकते उसको, उसने रूलिंग दी है और उनके पार्टी हेड कह रहे हैं कि ये बंदे वोट नहीं कास्ट कर सकते, तो स्पीकर ने उनके पार्टी हेड की डायरेक्शन पे कह दिया नहीं कर सकते, कौन उसको चैलेंज करेगा? अगर कोई करता है तो मेरे हिसाब में वो फिर जानिबदार है, जानिबदारी का मुजाहरा करेगा। चलिए चौधरी साहब, बड़ी खूबसूरत आपके साथ हमेशा गुफ्तगू रहती है और आउटस्पोकन है आपकी आपकी गुफ्तगू को लोग पसंद भी करते हैं। मजीद इसी तरह के दिलचस्प इंटरव्यूज के लिए आप जनाब देखते रहें हमारे चैनल को। जजाक।